अपने बारे में कहूँगा, आई हैव लिव्ड ऑन मुगले आज़म. मैं वो फिल्म पी चुका हूँ. मैं नहीं कह सकता कितनी बार मैंने वो फिल्म देखी. आज भी जब भी कभी भी ऐसे होता है, मूड होता है, तो वही देखते रहते हैं. अगर चैनल पे भी आ रहा है तो रिपीट वैल्यू उस फिल्म का मेरे लिए बहुत है. एंड अब ये इसमें क्या है ये पढ़ने के लिए, जिसके लिए उस फिल्म को भी 14 साल लग गए बनने के लिए, इस किताब को भी 14 साल लग गए. 14 साल के बाद वो एक कोहिनूर निकल आया. आई एम श्योर ये भी एक कोहिनूर है जो मेरे हाथ में है. सो आई कांट वेट ऑनेस्टली कि क्या है इसके अंदर. ये मैं आज से ही पढ़ना शुरू करूँगा. एंड आई एम श्योर कि ये सी मैं उस बैच से हूँ जहाँ उस फिल्म को हम कहते हैं ना, हम मैं किसी वो नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो आजकल पंगे बहुत हो जाते. पर इट्स अ होली बुक है हमारे लिए. जैसे मुगले आज़म एक होली जी हाँ जो है, तो ये भी एक आई थिंक एक होली किताब हो गई हमारे लिए. एंड इसका सारा क्रेडिट सुनील सर को जाता है. एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग अस दिस. होगा कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है. मुगले आज़म को रिलीज़ हुए पूरे 63 साल हो गए. 5 अगस्त 1960. मुगले आज़म एक फिल्म नहीं है, मुगले आज़म एक तारीख है, एक इतिहास है. और हर भारतीय नागरिक को गर्व हुआ था कि हमारे मुल्क में भी ऐसी फिल्म बन सकती है जो वर्ल्ड सिनेमा को कंपटीशन दे. मुगले आज़म जब लगी थी और उसकी एडवांस बुकिंग खुली थी, 3 दिन पहले से वहाँ पे एडवांस बुकिंग की लाइन लगनी शुरू हो गई थी. लोग अपना बिस्तर लेकर आए थे, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे. और जो लाइन थी वो बॉम्बे सेंट्रल से लेकर 7 रस्ते तक हो गई थी एडवांस बुकिंग की. ये ऐसे नहीं होता. जब तक आप में पैशन ना हो, जब तक आप में दीवानगी ना हो, जब तक आप में जुनून ना हो, जब तक आप में डिवाइन मैडनेस ना हो, तो ऐसा जलवा होता नहीं है. फिल्म पैसे से बनती है, लेकिन पैसे के साथ साथ कुछ करने का अज़्म, कुछ कर दिखाने का जुनून, वलवला वो थी आसिफ साहब की तबीयत, उनका मिजाज. और आज हम याद कर रहे हैं उस महान फिल्म को. एक बात और उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी बड़ी फिल्म बनाने के बावजूद उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, टैक्सी में घूमते थे, कार ही नहीं थी. मतलब फन के बादशाह थे और तबीयत के फकीर थे. ये फकीरी थी उनकी. तो आज 63 साल बाद भी हम उस फिल्म को याद कर रहे हैं. और उस फिल्म को याद करने के साथ साथ सालगिया जी ने जो एक किताब लिखी है 63 साल के बाद, ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है. और आज भी जब मैं कभी उदास होता हूँ तो मुगले आज़म देखता हूँ मैं. वो एक फिल्म के स्टूडेंट के लिए वो एक लाइब्रेरी है, वो एक किताब है, वो एक टेक्स्ट बुक है. बस यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. में मेरे पास एज एन असिस्टेंट आया था और पिछले 13 और इतने सालों से हम लोगों का रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा. देखिए आसिफ साहब के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, विजन, ग्रैंड विजन, पैशन, अनकॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, सो ही अचीव्ड ग्रेटनेस. सुनील में भी परसिस्टेंस है.
आसिफ साहब को 14 साल लगे मुगले आजम बनाने में, तो सुनील को भी 14 साल लगे इस बुक को लिखने में। सुनील ये बुक मेरे पास लेके आए थे, अभी तक पूरी रेडी नहीं थी एज ए स्क्रिप्ट, एज ए फिल्म स्क्रिप्ट। उन दिनों मैं फिल्में फाइनेंस करता था। बहुत हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन कुछ हम लोगों के स्क्रिप्ट को लेके मतभेद थे, इसलिए मैंने फिर फिल्म नहीं प्रोड्यूस की। पर मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा सुनील को, ही इज़ रनिंग। मैंने बुक पढ़ी है, उन्होंने पहले भेजी थी मुझे, इट्स अ वंडरफुल बुक, आप सब पढ़िए इसको, आपको बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद। बुक एक बाईगॉन इरा को बहुत बखूबी रिक्रिएट करती है कि 41 से लेकर 60 तक बॉलीवुड में क्या हो रहा था। 225,000 रुपए में फिल्म बनती थी नरगिस और दिलीप कुमार को लेके। आज अगर आप किसी को ये बोलें तो उनको बहुत अजीब लगेगा। और किस तरह से राइटर्स डायरेक्टर्स मिलके काम करते थे, स्टूडियो होते थे, स्टूडियो ही फिल्में फाइनेंस करते थे, आज से बिल्कुल जुदा माहौल था। और सुनील ने उसको बहुत बखूबी, इंक्लूडिंग मंटो एंड ट्रैम्स एंड एवरीथिंग, ही हैज़ रिक्रिएटेड इट। बस तो अल्फाज नहीं है। आई जस्ट गॉट द बुक यस्टरडे एंड आई कुडंट रेजिस्ट बट फिनिश द होल बुक इन 5 hours, एज आई जस्ट टोल्ड यू ऑल। इट्स अमेजिंग, इट्स आई कांट टेल यू द हार्ड वर्क सुनील हैज पुट इन। आई विश हिम ऑल द वेरी सक्सेस। इट्स अ मिक्सचर ऑफ द रियलिटी एंड द फिक्शन, बट द वे ही हैज स्पेंडेड, इट्स ब्यूटिफुल। And I'll request everyone and each one of you and everybody to read this book. And you can see the hard work of not only the director, but also the people who work with him. It is not just one person, I feel. It's a work of a whole team and the dedication. And just Junoon say, not only the director, it's everybody, each and every person who is a part of the movie. I would say from the writers to the script writers to the cameramen to the assistants. You know, if when they all work together the way he has put it in his book, I think now onwards, not that, you know, I'm feeling it does happen today also in our Indian cinema. I would not say it Bollywood, because I don't really like that word Bollywood. We have Indian cinema. We call it Indian cinema. Okay, Indian cinema mein jitne bhi log hain, jitne bhi directors hain, main un sab ko appreciate karti hoon, and I think they are doing a fantastic work. Of course, I would never say that Mughal-e-Azam cannot be made again. Wo junoon aur wo us tarah ke log, us tarah ke writers aaj bhi hain hamare paas, us tarah ke directors jis tarah mere father the, mujhe yakeen hai aaj bhi hai aur nahi hai to honge bahut jald. So I wish them all the very best. It's basically the passion. It's the passion. एक जुनून के हद तक जिस तरह का आप कह सकते हैं उसको लेकर फिल्म बनाया जाए, या कोई भी चीज़ आप करें, ज़रूरी नहीं कि फिल्म हो या आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, उसमें फुल सिंसियरिटी होनी चाहिए। और जब फुल सिंसियरिटी होती है तो समथिंग लाइक मुगल-ए-आज़म कम्स अप। थैंक यू सो मच। नशा होता है ब्लैक एंड वाइट फिल्म के जो शेड्स हैं और जो शेडोज़ हैं वो अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट को ब्लैक एंड वाइट में देखने में तो वाकई मज़ा आता है। लेकिन ये फिल्म ऐसी थी कि एक तो आसिफ साहब की खुद की ख्वाहिश थी कि इसको रंगीन बनाया जाए, और इस फिल्म में रंग इतने थे जो दूसरी किसी फिल्मों में देखने को नहीं मिलते, तो ये फिल्म का रंगीन होना भी मतलब एक तरह से मतलब ज़रूरी था, मुझे तो लगता है। तो ये हुआ और अच्छा रंगीन हुआ, और उसके बाद में इसने एक इतिहास रचा, और ये फिल्म जब भी आती है इतिहास ही रचती है। और मुझे वो इंस्पिरेशन जब मिली कि इसके ऊपर किताब लिखी जाए, तो आज ये 14 साल मुझे लग गई अपने आप में एक इतिहास हो गया कि मैं 14 साल में किताब लिख पाया। इट इज़ नॉट ईजी टू राइट
समथिंग अबाउट. और मुझे ये लगा कि इन 14 साल में भी मुझे बहुत सारी बातें अभी और कहनी थी, बहुत सारी चीज़ें जो मैं इसमें कह सकता था वो अभी भी अधूरी लगती हैं, तो और भी चीज़ें कह सकता था क्योंकि आसिफ साहब की ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ कि मैं कई चैप्टर्स तो अभी तक टच ही नहीं कर पाया हूँ. मुझे लगता है चुनौती तो मतलब पहले दिन से ये चुनौती थी कि मैं तो जब फिल्म एडिट करना शुरू किया था तभी चुनौती का सामना किया था कि क्या काटो, किसी मास्टर की एक फ्रेम भी काट देना मतलब गुनाह होता है, तो वो काटना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी और मुझे वो जॉब दे दिया गया था तो वो काटा मैंने. खैर लोगों को अच्छा लगा, अच्छी बात है. लेकिन उसके बाद जब मैंने वो किस्से सुने उनके और जो इंस्पिरेशन मुझे मिली तो मैंने लिखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि अब मैं सबसे बड़ा डायलेमा ये था कि मैं इसको जैसी ज़िंदगी है वैसी कहानी उठाऊं या मैं अपना फिक्शन कहूं. और चूंकि मेरे जहन में एक कहानी उभर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि इस किरदार के थ्रू मैं बहुत कुछ कह सकता हूं और बहुत सारे लोगों की कहानी कह सकता हूं, और दूसरा ये कि सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ क्योंकि इस फिल्म को बनने में जितने साल लगे और उसमें जो कुछ हुआ, हालात किस तरह बदले देश में, वो सब को भी मैं कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री ने जो सफ़र किया पार्टीशन और वो सब, वो भी मैं इसमें कह सकता हूँ. तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं ये अलग तरह का काम है, तो वो करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि कैसे मैं जस्टिस कर पाऊँगा सबको. एंड फाइनली आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू एवरीथिंग. यस श्योरली, यस श्योरली. I consider myself to be a fairly voracious reader, but in my library you'll find more non-fiction than fiction, or fiction that is based on reality. ऐसा क्यों होता है? मैंने कई बार अपने आप से पूछा कि मुझे कोरे फिक्शन से रियलिटी पर आधारित फिक्शन क्यों अच्छे लगते हैं, और वो शायद इसलिए. और वैसे आप जानते हैं आज बायोपिक का ज़माना चल रहा है, वो इसलिए कि हम जब कोई कहानी पढ़ते या देखते हैं तो उसमें रियलिज्म ढूंढते हैं, और चाहे वो बनाया हुआ रियलिज्म, और जब वो दिखता है तो हमें उस पर और एतबार होता है और हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है. तो क्यों ना रियलिज्म जो खुद पहले से ड्रामेटिक हो उस पर लिखा जाए, और वही सुनील जी ने किया है. उन्होंने एक थोड़ा और मुश्किल कदम उठाया. मैंने ये किया था कोई 15 साल पहले जब मैंने लता मंगेशकर की बायोग्राफी लिखी, इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर, और हिंदी में अजीब दास्तां है ये. इन्होंने इसको फिक्शनलाइज किया है, जो बैलेंसिंग प्रक्रिया बहुत मुश्किल है. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस उपन्यास में हम असल ज़िंदगी के कैरेक्टर ढूंढ पाएंगे उनके नाम से? जो जानते हैं जी, या जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा है कहीं, या जिन्होंने फिल्म देखी है, उनके सामने वो सारे चरित्र अपने आप सामने आ जाएंगे. तो बहुत आसानी से आप उन चरित्रों को देख पाएंगे, लेकिन यानि कई सारे नए कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे इसके साथ. हाँ, वो आपके फिक्शनलाइजेशन का प्रोसेस है, आप बहुत आसानी से उन सारे किरदारों को समझ पाएंगे कि ये कौन है. यानी मेरा ये ख्याल है कि आने वाली नस्लें द सुनील सालगिया स्ट्रेटेजिक राइटिंग इंस्टीट्यूट से दे विल टेक अ लीव, और इस तरह की और दिलचस्प दास्तानें लिखेंगे. कंग्रेचुलेशन वंस अगेन. तरह लोगों के सामने आया था, वैसे ही सुनील सालगिया की बुक मेरे सामने सरप्राइज की तरह आई है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे मुगले आजम को याद किया जा रहा है, वैसे ही सुनील सालगिया की बुक को भी लोग याद करेंगे, पसंद करेंगे, और यही मेरी दुआ है इसके लिए. ये हमसे बाद में पैदा हुए,
हमसे बाद में इंडस्ट्री में आए, लेकिन के आसिफ पे लिखने के बदले ये पहले लिख गए इसके लिए ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और बहुत सारी दुआएं हैं मेरी। आप हर बॉलीवुड में आगे पहुंचते हैं, होस्ट करते हैं, तो बॉलीवुड का भी बदलाव आ चुका है, ये चीजें जरूरी हैं। इस किताब के बारे में कह सकता हूँ कि भूतों ना भविष्यति हिंदी में एक शब्द है, ना ऐसा हुआ है और ना कभी होगा। मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी पढ़ी हुई है, 2 या 3 अध्याय पढ़े हैं, चैप्टर पढ़े हैं। मुझे इस बात का बहुत पूरी तरह से इत्मीनान है कि ऐसी किताबें आज की तारीख में इतने, यानी कि अगर मैं बात करूँ 2022 के बाद पूरा परिवर्तन आ गया, उस बीच में अगर एक कोई इंसान उस डायरेक्टर के बारे में ऐसी बात लिखना चाहता है, कहना चाहता है अपने लेखनी के जरिए, ये बहुत ही अद्भुत है और इसमें पूरा श्रेय इनका है। इन्होंने इस बात को पहली बात तो सोचना कि इस महान कलाकार के बारे में लिखा जाए जिससे नए डायरेक्टर प्रेरित हों और वो प्रेरणा मिलेगी, मुझे 100% उम्मीद है। ये मैं पूरी तरह से, आप देख रहे हैं आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और इसके प्रकाशक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इतनी खूबसूरत तरीके से बिल्ड किया है उन्होंने, इतना फॉन्ट लिया हुआ है और उतने चैप्टर छोटे छोटे लिखे हैं, क्योंकि आज की तारीख में किताब पढ़ने की आदत लोगों की चली गई है, और उस बीच में अगर सालगे साहब इस किताब को लिखते हैं और एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में जिससे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत बड़ी बात है। किसी फिल्म को 14 साल तक बनाना, उसके बारे में सोचना, दिन रात खाना पीना उठना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस डायरेक्टर के बारे में अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 4 या 5 फिल्में उन्होंने बनाई है और इस फिल्म के ऊपर पूरी ज़िंदगी लगा देना, लोग कहते हैं बहुत एरोगेंट थे वो, आपको कहानियाँ मालूम पड़ेंगी। मुगले आज़म के ऊपर कितनी भी किताबें लिखी गई हैं सब मैंने पढ़ी हैं, और उन किताबों की खास बात ये होती है कि डायरेक्टर का खास तौर से जिक्र आता है, और मैं हमेशा मानता हूँ कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो तो के आसिफ जैसा हो जो इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो प्लीज़ खरीदिए, पढ़िए और आशीर्वाद दीजिए इस किताब को, राइटर को। जी, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और इस समय मैं अपने 2 मित्रों को याद करना चाहूँगा। एक तो इरफान की बड़ी इच्छा थी कि वो के आसिफ का रोल निभाएं। इरफान ने मुझे कई बार अपनी निजी बातचीत में बोला था और इरफान रियली चाहते थे, और मैं कल्पना कर सकता हूँ। अभी हमारे एक दूसरे दोस्त तिग्मांशु धूलिया के आसिफ पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इरफान को ये कहानी मैंने ही सुनाई थी। जी 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 जी, तो इरफान इरफान वाज इन लव विद द स्टोरी। इरफान को ये कहानी मैंने सुनाई थी और इरफान ने ही शायद तिग्मांशु धूलिया को ये आइडिया दिया होगा, लेकिन तिग्मांशु धूलिया ने अभी तक मेरे पास अप्रोच नहीं किया है किसी राइट्स के लिए। तो ये मुगले आजम पर, और ये किताब इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुगले आजम पर सबसे पहली किताब जो अच्छी हम लोगों को लगी थी वो राजकुमार केसवानी की थी, जो अभी जिनकी डेथ हो गई है, भोपाल के जर्नलिस्ट थे, और लेकिन वो किताब मुगले आजम पर थी, ये के आसिफ पर है, राइट जी। तो के आसिफ को लेकर और सुनील जी ने इतनी मेहनत करके ये किताब लिखी है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम कमर्शियल बॉलीवुड पर गंभीर चीज़ें नहीं लिखी जा रही हैं। आर्ट सिनेमा के बारे में और आर्ट सिनेमा के डायरेक्टरों के बारे में बहुत सारी किताबें आपको लंदन में, न्यूयॉर्क में और हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम सिनेमा के एक दिग्गज व्यक्तित्व पर इन्होंने किताब लिखी है, तो ये हार्दिक बधाई के पात्र हैं और ये किताब पढ़ी जानी चाहिए, ये मेरा संदेश है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं कि आज सुनील सालगिया जी की बुक ऑन के आसिफ के विमोचन हुआ है। हालांकि मैं दुखी इस बात का हूँ कि आसिफ साहब से मैं कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उनके एक्टिव रहने के बाद ही मैं पत्रकारिता अपनाया 50 साल पहले। तो के आसिफ का यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि मैं उनको जब भी रेफर करता हूँ करमवीर आसिफ बोलता हूँ, उनका के का फुल फॉर्म भी मुझे पता नहीं, लेकिन करमवीर थे और आजीवन करमवीर रहेंगे उनके जाने के बाद भी। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस फिल्म मुगले आज़म के बारे में और आसिफ साहब के बारे में दिनेश जी ऑलमोस्ट 14-15 साल मेहनत करके, दिनेश जी मेरे चाचा थे, दिनेश चाचा है, सुनील जी 15 साल मेहनत करने के बाद ये लिखा है, और ये एक टेक्स्ट बुक इन फिल्म मेकिंग माना जाएगा। लोग पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स, और के आसिफ जैसे तो नहीं, कम से कम उनके थोड़ा बहुत नीचे दर्जे तक फिल्म बनाएंगे तो मैं खुश होगा। इस मैगज़ीन आजीवन ट्रेशरेबल बुक है। थैंक यू।